हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे समसामयिक घटना चक्र वार्षिकांक 2019 के बारे में। तो आप लोगों को बता दें हम लोग कि राष्ट्रीय परिदृश्य देख चुके हैं, हम लोग विधिक परिदृश्य को खत्म कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म कर चुके हैं, फिर आर्थिक परिदृश्य की बात कर रहे थे हम लोग। तो इसमें केंद्रीय बजट, आर्थिक समीक्षा, राष्ट्रीय आय, कृषि संबंधित जो उद्योग थे, विदेशी क्षेत्र थे। अब बात करने वाले हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम और प्रमुख रिपोर्टों को देखते हैं, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम और प्रमुख रिपोर्ट, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉरीशस। भारत में सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक है कौन सा? मॉरीशस। 15 नवंबर 2019 तक प्राप्त आंकड़े मार्च 2019 तक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के मामले में मॉरीशस शीर्ष पर है, जबकि अगस्त 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुमानित आंकड़ों के अनुसार भी वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मॉरीशस शीर्ष स्थान पर था। नवंबर 2019 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले 3 प्रमुख देश हैं जो शीर्ष पर हैं, मॉरीशस, फिर उसके बाद सिंगापुर, फिर है जापान। जबकि अगस्त 2018 में रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 3 देश क्रमशः मॉरीशस, सिंगापुर और नीदरलैंड। तो याद रखना है आपको मॉरीशस सबसे ज्यादा है, ठीक है। इन आंकड़ों के अनुसार भारत ने वर्ष 2018-19 में कुल $44.37 बिलियन का प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त किया है, जबकि रिजर्व बैंक द्वारा अगस्त 2018 में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल $37.37 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया, जो वित्तीय वर्ष 2016-17 के $36.32 बिलियन के मुकाबले 2.8% अधिक रहा। नवंबर 2019 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सकल एफडीआई में से सर्वाधिक सेवा क्षेत्र को प्राप्त हुआ है, इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तथा दूर संचार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले क्षेत्र रहे हैं। अब बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020। 24 अक्टूबर 2019 को विश्व बैंक द्वारा, याद रखिए विश्व बैंक जारी करता है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है, जो इस श्रृंखला की 17वीं वार्षिक रिपोर्ट है। कारोबारी सुगमता से संबंधित इस रिपोर्ट में 190 देशों में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले 12 क्षेत्रों के व्यापारिक विनियमनों का अध्ययन कर संबंधित क्षेत्र को अंकों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। तो आपको याद रखना है विश्व बैंक जारी करती है ये, ठीक है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। इस वर्ष की रैंकिंग में 68.8 अंकों के साथ न्यूजीलैंड शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद शायद सिंगापुर दूसरे स्थान पर है, हांगकांग तीसरे स्थान पर है, डेनमार्क चौथे नंबर पर और दक्षिण कोरिया 5वें नंबर पर है। तो न्यूजीलैंड पहले नंबर पर है, याद रखना, ठीक है। और इसमें अंतिम स्थान पर है सोमालिया, ठीक है, सोमालिया अंतिम स्थान पर है, ठीक। इरिटिया को 189वां स्थान मिला है और वेनेजुएला को 188वां, यमन को 187वां और लीबिया को 186वां, ठीक है, सोमालिया को 190वां मिला था अंतिम पर। इस रिपोर्ट में भारत 71.0 अंकों के साथ 63वें स्थान पर है। विगत वर्षों की रिपोर्ट में डूइंग बिजनेस 2019 में भारत को 77वां स्थान प्राप्त हुआ था। इस प्रकार वर्तमान रिपोर्ट में भारत के रैंकिंग में 14 स्थानों का सुधार हुआ है। डूइंग बिजनेस 2020 के 10 देशों ने सर्वाधिक सुधार दर्शाया, जिसमें भारत के अतिरिक्त सऊदी अरब, जॉर्डन, टोगो, बहरीन, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, कुवैत, चीन, नाइजीरिया शामिल है, ठीक है। तो याद रखना है सोमालिया अंतिम स्थान पर है, भारत का 163वां स्थान है और न्यूजीलैंड का प्रथम स्थान है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, अगली खबर है होरुन इंडिया परोपकारियों की सूची 2019। 14 अक्टूबर 2019 को एड
एडेलगिव फाउंडेशन तथा होरोन शोध संस्थान द्वारा एडेलगिव होरोन भारतीय परोपकारियों की सूची 2019 जारी की है। इस सूची में उन भारतीय परोपकारियों को शामिल किया गया जिन्होंने 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच के मध्य 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक का दान दिया है। इस सूची में कुल 100 व्यक्तियों को शामिल किया गया। इस सूची में 100 लोगों में 6 महिलाएं भी शामिल हैं। शिक्षा क्षेत्र के लिए 826, याद रखना 826 करोड़ रुपए के दान के साथ HCL के चेयरमैन शिव नाडार शीर्ष पर हैं। विप्रो अजीम जी, अजीम प्रेम जी और रिलायंस के इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी ने भी शिक्षा के क्षेत्र के लिए क्रमशः 453 करोड़ रुपए तथा 402 करोड़ रुपए का योगदान देते हुए दानदाताओं की सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा है, स्थान प्राप्त किया है। याद रखिए पहले नंबर पर कौन है? शिव नडार, ठीक है, ये HCL के चेयरमैन है। 826 करोड़ इन्होंने दान किए। सूची में 6 महिलाओं में इन्फोसिस की रोहिणी नीलेकड़ी ने शिक्षा क्षेत्र के लिए दान स्वरूप 142 करोड़ रुपए का योगदान देते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। समग्र रूप से 6 स्थान पर रही हैं। इसके बाद क्रमशः किरण मजूमदार 172 करोड़ रुपए, लीना गांधी तिवारी 34 करोड़ रुपए का दान दिया। ठीक, सर्वाधिक परोपकारी दान शिक्षा क्षेत्र में 1565 करोड़ रुपए के लिए दिया गया। उसके बाद क्रमशः स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में 292 करोड़ रुपए तथा कला संस्कृति एवं विरासत में 275 करोड़ रुपए दिया गया। परोपकारियों की सूची में 50 करोड़ रुपए के योगदान के साथ MDH मसाले के धर्मपाल गुलाटी सबसे वयोवृद्ध 95 वर्ष आयु के परोपकारी रहे हैं। ठीक, आगे बात करते हैं नेशनल ब्रांड्स 2019 ब्रांड फाइनेंस। 11 अक्टूबर 2019 को ब्रांड फाइनेंस द्वारा रॉयल्टी रिलीफ मैकेनिज्म के आधार पर 100 प्रमुख देशों के राष्ट्रीय ब्रांड की ताकत और उनके मूल्यों का आकलन करते हुए नेशनल ब्रांड्स रिपोर्ट 2019 जारी की गई है। कंपनी द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडों के मूल्यांकन हेतु 4 आधारों का उपयोग किया जाता है जो निम्न है: स्वतंत्रता, तकनीकी साख, पारदर्शिता और विशेषज्ञता। ठीक है, समग्र ब्रांड वैल्यू के रूप में 27,751 बिलियन डॉलर मूल्य के साथ रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष स्थान पर आए। रैंकिंग 2019 में दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवे स्थान पर क्रमशः चीन, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम रहे हैं। भारत की बात करें तो 2562 बिलियन डॉलर ब्रांड वैल्यू के साथ इस रैंकिंग में 7वें स्थान पर रहा है भारत, जबकि विगत वर्ष यह 9वें स्थान पर था। तो याद रखना है भारत 7वें स्थान पर है और शीर्ष 5 इस प्रकार हैं, 2019 की दी गई है, ये 18 की दी गई। तो यूएसए नंबर 1 पर है, चीन दूसरे नंबर पर, जर्मनी तीसरे नंबर पर, जापान 2019 में चौथे नंबर पर है, 2018 में 5वें नंबर पर था, यूके 5वें नंबर पर है 2019 में, 2018 में चौथे नंबर पर था। तो आपको 3 पॉइंट याद रखना, सबसे ज्यादा यूएसए, फिर चीन, फिर भारत 7वें स्थान पर। ठीक है, शीर्ष 5 मजबूत राष्ट्रीय ब्रांड में बात करें तो सिंगापुर पहले नंबर पर, स्विट्जरलैंड दूसरे, तीसरे नंबर पर हमारा नीदरलैंड, चौथे पर है जर्मनी, 5वें नंबर पर है लक्जमबर्ग। ठीक, अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2019। वैश्विक स्तर पर परोपकारी व्यवहार के बारे में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स सबसे व्यापक सर्वेक्षण है जो विश्व के विभिन्न देशों में परोपकारिता की स्थिति पर बेटेन आधारित चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा अपनी सहयोगी गैलप संस्था द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर वर्ष 2010 से प्रति वर्ष जारी किया जाता है। चैरिटीज एंड फाउंडेशन CAF द्वारा
अक्टूबर 2019 में जारी यह वार्षिक रिपोर्ट इस श्रृंखला का 10वां वार्षिक संस्करण है, जो विगत एक दशक में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। इस सूचकांक में कुल 128 देशों को शामिल किया गया, जिसमें सर्वोच्च दानशील देश होने वाला श्रेय जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को, स्कोर है इसका 58%। इसी संदर्भ में म्यांमार और न्यूजीलैंड क्रमशः 58% और 57% स्कोर के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, जबकि चीन न्यूनतम स्कोर 16 के साथ निम्नतम स्थान 126वां स्थान है इसका, ठीक है। फिर 128 देशों के वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत को 26% स्कोर के साथ 82वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि विगत वर्ष में 124वें स्थान पर था, इस बार 82वें स्थान पर है। इस सूची में भारत के पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका 9वें स्थान पर, नेपाल 53 स्थान पर, पाकिस्तान 69, बांग्लादेश 81, चीन 126वें स्थान पर है। अर्थात भारत के पड़ोसी देशों में केवल चीन को छोड़कर शेष देशों की स्थिति भारत से बेहतर है। विगत 10 वर्षों में सर्वाधिक स्कोर प्राप्त करने वाले 5 देश यूएसए 58% फर्स्ट स्कोर है, फिर म्यांमार उसके बाद 58% दूसरे नंबर पर, न्यूजीलैंड 57% तीसरे नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया 56% के साथ चौथे स्थान पर, आयरलैंड 56% के साथ 5वें स्थान पर। विगत 5-10 वर्षों में न्यूनतम स्कोर की बात करें 5 देशों की, तो चीन 16% के साथ 126, फिर यूनान ग्रीस ये भी 16% के साथ 125वें स्थान पर, यमन 17% के साथ 124वें स्थान पर, सर्बिया 19% के साथ 123वें स्थान पर, स्टेट ऑफ फिलिस्तीन 19% के साथ 122वें स्थान पर है। बात करने वाले हम लोग अगली खबर पर, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2019। अक्टूबर 2019 में वैश्विक स्तर पर महामारी के खतरों का पहला व्यापक मूल्यांकन वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। यह सूचकांक न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव NTI एवं जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी द्वारा द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के सहयोग से विकसित किया गया है। तो आपको सबसे पहले तो कोई भी रिपोर्ट अगर निकल रही है तो उसे याद रखना चाहिए कि कौन निकालता है, ठीक है। इस सूची में कुल 195 देशों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जिसका स्कोर है 83.5। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम दूसरा स्थान मिला है और नीदरलैंड्स को तीसरा स्थान मिला है। सूचकांक में इक्वेटोरियल गिनी जिसका स्कोर है 16.2 को अंतिम स्थान 195 प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत को 57वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिसका स्कोर है 46.5। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान को 85वां, पाकिस्तान को 105वां और नेपाल को 111वां, बांग्लादेश को 113वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब बात करने वाले हम लोग एशिया और प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख संकेतक 2019 के। सितंबर 2019 में मनीला फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक द्वारा एशिया और प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख संकेतक 2019 जारी किए गए। रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में 1.90 डॉलर प्रति दिन 2011 की क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार पर जीवन यापन करने वाला अंश वर्ष 2002 के 33.7% से कम होकर 2015 में 7% रह गया है। इस कमी के बावजूद इस क्षेत्र में अभी भी 264 मिलियन लोग अभी भी अत्यधिक गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में गर्भावस्था, शिशु जन्म के समय और उसके पश्चात मरने वाली महिलाओं की संख्या वर्ष 2000 के 264 मौतों के प्रति 1 लाख जीवित जन्म से कम होकर 2015 में 123 मौत प्रति 1 लाख जीवित जन्म रह गई, ठीक। आगे बात करते हैं, इस प्रकार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर
वर्ष 2000 के 69 मौत प्रति 1000 जीवित जन्म के से कम होकर 2017 में 31 मौतें प्रति 1000 जीवित जन्म पर रह गई हैं। ठीक है, 2018 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र की संयुक्त जनसंख्या 4180 मिलियन हो गई, जो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 55% है। वर्ष 2018 में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में 6 देश एशिया क्षेत्र से ही हैं। चीन वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक जनसंख्या 1395 मिलियन वाला देश है। उसके बाद भारत का स्थान है, दूसरे नंबर पर भारत है जिसकी जनसंख्या 1332 मिलियन है। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर वैश्विक घरेलू सकल घरेलू उत्पाद में एशिया और प्रशांत क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2000 30.3% से बढ़कर 2018 में 42.8% हो गया है। अब बात करने वाले हैं अगली खबर के, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2019 अपडेट। सितंबर 2019 को एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2019 अपडेट जारी किया गया। इसकी थीम है फॉस्टरिंग ग्रोथ एंड इंक्लूजन एंड इन एशियाज सिटीज। रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सभी क्षेत्रों तथा दक्षिण एशियाई देशों की वृद्धि निम्न दर रही। ये जीडीपी वृद्धि दर है, तो याद रखना ये 2018 की, ये 2019 और ये 2020। ठीक है, तो सबसे पहले बात करने वाले हैं मध्य एशिया, यहाँ एडीओ अपडेट है। ठीक है, एडीओ ने निकाली अपडेट। एशिया 2018 में रही 4.3 और 2019 में एडीओ 4.2 एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, और अपडेट है 4.2 एडीओ, फिर था 4.3। पूर्व एशिया की बात करें तो 6.0 और 5.7 एडीओ, याद रखना एशिया डेवलपमेंट बैंक। ठीक, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। ठीक है, 5.5 अपडेट है, 5.5 फिर एडीओ, 5.5 और 5.4 दक्षिण एशिया। ठीक है, इसमें 6.6, 6.8, 6.2, 6.9 और 6.7। इसमें बात कर लेते हैं भारत की, तो अपने भारत 6.8 थी 2018 में, और एडीओ एशियन डेवलपमेंट आउटलुक में 7.2 और अपडेट है 6.5, और 2020 की बात करें तो 7.3 है और अपडेट है 7.2। ठीक है, और भी बाकी आप लोग देख लेना अगर जरूरी हो तो। ठीक है, भारत की देख लिया। अब बात करते हैं आगे, विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति 2019। तो 15 जुलाई 2019 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति 2019 नामक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य भूख को समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने, पोषण में सुधार लाने, पोषण के क्षेत्र में विश्लेषणात्मक प्रगति की सूचना उपलब्ध कराने के साथ साथ ही सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों से लोगों को अवगत कराना है। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में 820 मिलियन से अधिक लोगों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। यह हाल तब है जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2030 तक शून्य भूखमरी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह स्पष्ट है कि यह आंकड़ा वर्ष 2030 तक भूख को समाप्त करने के लक्ष्य के सामने एक बड़ी चुनौती है। लगभग एक दशक तक निरंतर कमी होने के बाद विगत 3 वर्षों में भूखमरी से ग्रस्त लोगों की संख्या में सतत रूप से वृद्धि देखी गई है। ठीक है, भूखमरी के मामलों में अफ्रीका के लगभग सभी उपक्षेत्रों में वृद्धि हुई है, जहां अल्प पोषण
के मामले सर्वाधिक हैं। लेटिन अमेरिका एवं कैरिबियन क्षेत्र में भी भुखमरी के मामलों में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। हालांकि यहाँ अल्प पोषण के मामलों की संख्या 7% से कम है। एशिया में 11% जनसंख्या अल्प पोषण की चपेट में है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में प्रत्येक 9वां व्यक्ति भुखमरी से ग्रस्त है, जबकि अफ्रीका में तो हर 5वां व्यक्ति भूख से पीड़ित है। विश्व में लगभग 2 बिलियन लोग वैश्विक जनसंख्या का 26.4% खाद्य सुरक्षा के मध्यम स्तर और गंभीर स्तर से प्रभावित हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु में मातृत्व और बाल कुपोषण का योगदान 45% है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगली खबर पर। तो यह है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019। 10 अप्रैल 2019 को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019 रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या 1969 में 3,626 मिलियन थी, जो 2019 में बढ़कर 7,715 मिलियन हो गई। वर्ष 2010 से 2019 के मध्य वैश्विक आबादी 1.1% की औसत वार्षिक दर से बढ़ी है। वैश्विक स्तर पर वर्ष 1969 में प्रति महिला कुल प्रजनन दर 4.8% थी, जो 2019 में घटकर 2.5% हो गई। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में सुधार हुआ है। यह वैश्विक स्तर पर वर्ष 1969 में 56 वर्ष थी, जो वर्ष 2019 में 72 हो गई है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्ष 1969 में एवं वर्ष 1974 में क्रमशः 541.5 मिलियन और 942.2 मिलियन थी, जो वर्ष 2019 में बढ़कर 1,368.7 मिलियन लगभग 1.37 अरब हो गई। वर्ष 2010 से 19 के मध्य भारत की जनसंख्या 1.2% की औसत वार्षिक दर से बढ़ी है। भारत में वर्ष 2019 में प्रति महिला कुल प्रजनन दर 5.6% थी, जो वर्ष 2019 में कम होकर 2.3% रह गई। भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में सुधार हुआ है। यह वर्ष 1969 में जन्म के समय 47 वर्ष थी, जो वर्ष 2019 में बढ़कर 69 वर्ष हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग वैश्विक धन पेषण विश्व बैंक की रिपोर्ट की। ठीक है, 8 अप्रैल 2019 को विश्व बैंक द्वारा वैश्विक धन पेषण संबंधित नवीनतम रिपोर्ट माइग्रेशन एंड रेमिटेंस रिसेंट डेवलपमेंट एंड आउटलुक जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में धन पेषण 9.6% वृद्धि के साथ रिकॉर्ड 529 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है, जबकि वर्ष 2017 में यह 483 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2019 में इसके 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाने का अनुमान है। वैश्विक स्तर पर धन पेषण के मामले में भारत शीर्ष स्थान पर है, जबकि विदेशों में रह रहे भारतीय समुदायों द्वारा वर्ष 2018 में कुल 78.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर पेषित किया गया है। वैश्विक स्तर पर विदेशों से भेजा जाने वाला धन वर्ष 2018 में 689 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है, जबकि वर्ष 2017 में यह 633 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2019-20 में इसके क्रमशः 714 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा 746 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाने का अनुमान है। अब बात करने वाले हम लोग विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण प्रवृत्ति 2019 के बारे में। 13 फरवरी 2019 को अंतरराष्ट्रीय स्वयं संगठन ILO द्वारा विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण प्रवृत्ति 2019 नामक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में 189 देशों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर वर्ष 2017 में के 5.1% से गिरकर वर्ष 2018 में 5% हो गई है, और वर्ष 2019 और 20 में भी इसमें कमी प्रदर्शित करते हुए
इसका स्तर 4.9% अनुमानित किया गया है। युवा वर्ग 15 से 24 वर्ष आयु के बीच। वैश्विक बेरोजगारी दर वर्ष 2017 में 12% से कम होकर वर्ष 2018 में 11.8% हो गई। उसके आगे वर्ष 19-20 में यह 11.8% स्थिर रहने की संभावना है। वास्तविक रूप से बेरोजगारों की संख्या 2018 में 172.5 मिलियन से बढ़कर 2019-20 में क्रमशः 173.6 मिलियन और 174.3 मिलियन होने की अनुमान लगाया जा रहा है। अब बात करने वाले हम लोग विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट 2019 के बारे में। तो 21 जनवरी 2019 को संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति की संभावना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत आने वाले वर्षों में विश्व में सबसे तेज गति से विकास करता रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जहां वर्ष 2018 में 7.4% अनुमानित है, वहीं वर्ष 2019-20 में क्रमशः 6.76 एवं 7.4% बने रहने का अनुमान है। ठीक है, बात करने वाले हैं, आगे देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार जहां वैश्विक विकास दर वर्ष 2017 में 3.1% रही, वहीं 2018 में यह 3.1% अनुमानित है, जबकि वर्ष 2019 और 20 में इसके 3% रहने का पूर्वानुमान है। संयुक्त राज्य अमेरिका की विकास दर वर्ष 2018 में 2.8% थी, जबकि वर्ष 2017 में यह 2.5% रही थी। ठीक, वर्ष 2019-20 में इसकी आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः 2.5% और 2% रहने का पूर्वानुमान है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर जहां वर्ष 2017 में 4.5% थी, वहीं वर्ष 2018 के लिए 4.4% अनुमानित है। साथ ही वर्ष 2019-20 के लिए आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः 4.3% एवं 4.6% रहने का अनुमान है। जहां पूर्वी एशियाई देशों में सर्वाधिक आर्थिक वृद्धि दर चीन की, वहीं दक्षिण एशियाई देशों में यह उपलब्धि भारत को हासिल हुई है। अब बात करने वाले हम लोग वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2019। 8 जनवरी 2019 को डार्टनिंग स्काइज शीर्षक से प्रकाशित विश्व बैंक समूह की आर्थिक अर्धवार्षिक रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक संभावना 2019 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.3% अनुमानित है, जबकि अगले दो वर्षों 19-20 में इसके बढ़कर 7.5% हो जाने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में सर्वाधिक तेज आर्थिक वृद्धि दर के मामले में बांग्लादेश सबसे आगे है, जहां आर्थिक वृद्धि 7.9%, उसके बाद भारत 7.3 और चीन 6.5। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में वैश्विक विकास दर 3% अनुमानित है, जबकि वर्ष 2017 में यह 3.1% रही। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विकास दर वर्ष 2019-20 तथा 21 में क्रमशः 2.9%, 2.8% और 2.8% रहने का पूर्ण अनुमान है। उच्च आय वाले देशों में आर्थिक विकास दर वर्ष 2018 में 2.2% अनुमानित है, जबकि वर्ष 2017 में यह आर्थिक वृद्धि दर 2.3% रही। उच्च आय वाले देशों में आर्थिक वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2019-20 और 21 में क्रमशः 2%, 1.7% तथा 1.6% रहने का पूर्व अनुमान है। विकासशील देशों में आर्थिक समृद्धि दर वर्ष 2018 में 4.4% अनुमानित है, जबकि वर्ष 2017 में यह 4.6% थी। वर्ष 2019-20 तथा 21 में विकासशील देशों की आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः 4.6%, 4.7% तथा 4.7% रहने का अनुमान पूर्वानुमान है। बात करने वाले हम लोग वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट 2018-19। 26 नवंबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा लिंग वेतन अंतराल के पीछे क्या है
शीर्षक से वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में वैश्विक मजदूरी वृद्धि वर्ष 2016 की तुलना में न केवल कम रही है बल्कि वर्ष 2008 के बाद इसमें सबसे कम वृद्धि भी हुई है। वैश्विक मजदूरी वृद्धि वर्ष 2016 में 2.4% से घटकर वर्ष 2017 में केवल 1.8% रही। यदि चीन जिसकी बड़ी आबादी और तेजी से वेतन वृद्धि वैश्विक औसत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है को छोड़ दिया जाए तो वास्तविक अर्थों में वैश्विक मजदूरी वृद्धि वर्ष 2016 में 1.8% से घटकर वर्ष 2017 में यह मात्र 1.1% ही रही। आगे देखते हैं, उच्च आय वाले देशों में स्वीडन में मजदूरी असमानता सबसे कम और चिली में सर्वाधिक है। ठीक है, स्वीडन में याद रखना सबसे कम असमानता और चिली में सर्वाधिक। निम्न एवं मध्यम आय अर्थव्यवस्था में दक्षिण अफ्रीका नामीबिया में सर्वाधिक मजदूरी असमानता रही जबकि आर्मेनिया और मंगोलिया में न्यूनतम मजदूरी असमानता रही। वर्ष 2018 से 2017 तक अवधि में दक्षिण एशियाई देशों में मजदूरी औसत वृद्धि सर्वाधिक भारत में 5.5% में रही जो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है। भारत मजदूरी रिपोर्ट ILO 20 अगस्त 2018 को अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा भारत मजदूरी रिपोर्ट सबकार एवं समावेशी विकास हेतु मजदूरी नीतियों जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-12 में कुल नियोजित व्यक्तियों से 206 मिलियन स्वनियोजित जबकि 195 मिलियन वेतनभोगी थे। वेतनभोगियों में से 121 मिलियन अस्थायी मजदूर थे। वर्ष 2011-12 में भारत में औसत मजदूरी लगभग 247 रुपये प्रतिदिन जबकि अस्थायी मजदूरी की औसत मजदूरी 143 रुपये प्रतिदिन थी। लैंगिक मजदूरी अंतराल अभी भी अंतर्राष्ट्रीय मानक से अधिक है हालांकि यह वर्ष 1993-94 की 18% से घटकर 2011-12 में 34% रह गई। बात करने वाले हम लोग अगली खबर है, नेपाल उच्च मूल वर्ग की भारतीय मुद्रा प्रतिबंधित। दिसंबर 2018 में नेपाल के मंत्रिमंडल ने उच्च मूल वर्ग की भारतीय मुद्रा को अपने देश में प्रतिबंधित करने के का निर्णय लिया। नेपाल के सूचना एवं प्रसारण मंत्री गोकुल प्रसाद बसकोटा ने देश की जनता को 100 रुपये से ऊपर के नोटों यथा 2000 और 500 और 200 रुपये के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की जानकारी दी। ठीक है, नेपाल सरकार के अनुमान के अनुसार भारतीय मुद्रा पर प्रतिबंध लगाने पर उद्देश्य है धन शोधन जमाखोरी और जालसाजी और उच्च मूल वर्ग की मुद्रा के दुरुपयोग की जांच करना। इस प्रतिबंध का असर देश के ब्लू कॉलर श्रमिक पर पड़ने की संभावना है क्योंकि उनका फरी सैमिक अक्सर उच्च मूल वर्ग के नोटों से में होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम और प्रमुख रिपोर्टें जितनी है। ठीक है, अब आगे बात करने वाले हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे वैश्विक सूचकांकों के बारे में। ठीक है, और इसके बाद हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य पर बात करने वाले हैं। ठीक है, समसामयिक की घटना चक्र में। ठीक है।